की शुरुआत हो चुकी है और काम खत्म हो गया है। आज जल्दी आज धूप भी निकली अच्छी खासी और देखिए ये इतनी धूप आती है मेरे यहाँ पर। और जी मैंने निकाली है ये सिलाई मशीन और मुझे ये थोड़ा सा लूज करना है। काफ्तान टाइप है, इसमें मुझे स्लाइस की जो है एक लूज लगानी है क्योंकि मुझसे टाइट नहीं बन जाते हैं। हाँ जी हाँ अच्छा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जी मैंने सोचा है कि अब से मैं थोड़ा सा अपना रूटीन चेंज करूँगी और थोड़ा सा काम को मैं साइड में रख कर अपना एक्सरसाइज पे मैं ध्यान दूँगी और थोड़ा सा मैं पानी का इंटेक बढ़ाऊँगी और जी और भी मैं दो चार चीज़ें करूँगी जो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अभी फ़िलहाल ये देखिए मैंने ये देखिए ये जो नेल पेंट है जो मैंने कहा था कि मैं इसका रिव्यू बाद में दूँगी, तो ये मैंने लगाया है अपने इन फिंगर्स पे और एक ये भी लगा दिया है साथ में। तो जी अब देखते हैं ये सूखने के बाद इसका क्या कलर आता है, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो है इसकी जो बॉटल है बिल्कुल नेल पेंट की तरह है और इसके अंदर जो ये लिक्विड है ये एक्चुअली सेम वैसा ही है जैसे लास्ट टाइम मैंने वीडियो में आपको मेहंदी लगा के दिखाई थी, वो चंदा लगाया था ना, तो उसका जो टेक्सचर था यानी कि डिपर करके जो थी तो इसमें वही सेम फील है। फ़र्क इतना है कि बस ये जो है उन्होंने बॉटल में दे दिया है और वो जो था वो डिपर करके बॉक्स में था। तो जी यहाँ पर ये देखिए ये सूख गई है और सूखने के बाद आप इसको इस तरह से छुटा सकते हैं। अच्छा इसको आप वॉश ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, जैसे कि ये जिस तरह से मैं छुटा रही हूँ ना अभी, तो आप इसी तरह से इसको छुटाएं और रहने दें थोड़ी देर इसको। अगर आप इससे ज़्यादा डार्क कलर चाहते हैं तो फिर आप इसके ऊपर एक कोड और लगा लें और एक कोड और लगाने के बाद आप उसको हटा दें तो इससे थोड़ा सा डार्क कलर आ जाएगा। अच्छा मैंने एक ही कोड लगाया था तो एक कोड में ये वाला कलर आया था, तो ये कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, ऑरेंजिश सा कलर था ये और काफ़ी प्यारा लग रहा था, मुझे तो अच्छा लगा। बाकी आप लोग आइडिया लगा लें। अच्छा मुझे किचन में खाना बनाना था इसलिए मैंने अपने हैंड वॉश कर लिए थे, तो ये वॉश करने के बाद ये वाला लुक है, इस तरह से कलर आ चुका था। और ये देखिए यहाँ पर मैं कैमरा रख कर भूल ही गई थी कि वो ऑन है और किचन में मैं काम करने लगी थी नूर के साथ। तो मैं इतनी बिजी थी मतलब काम में मुझे पता ही नहीं चला कि कैमरा ऑन है, फिर मुझे जिब्रान ने बताया और जिब्रान की आप हरकतें देख लें कैमरे के सामने वो क्या क्या करता है और अपनी वीडियो इतनी ज़्यादा बनाता है वो, बहुत बार ना मतलब काफ़ी अच्छी व्लॉगिंग कर लेता है जब अकेला होता है उस टाइम में। तो यहाँ पर मैं नूर के लगा रही हूँ मेहंदी। अच्छा ये जो वीडियो है ये पहले की है, जब जिस टाइम नूर आ रही थी तब की है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, एक हफ्ते पहले की है। तो जी बस यहाँ उसने कहा कि मेरे भी बाजी मेहंदी लगा के दो ये वाली, तो बस मैं उसके यहाँ पर मेहंदी लगा रही हूँ। ये मतलब मैंने अच्छी खासी मेहंदी उसको लगा दी थी, मतलब अच्छा लग रहा था सिंपल सोबर सा डिज़ाइन, लेकिन उसने उसके बाद जो अपना डिज़ाइन बनाया है इस पर इतना ख़तरनाक डिज़ाइन बनाया था वो मैं क्लिप लेना भूल गई, मतलब पता नहीं क्या क्या बना दिया था ये इसके आसपास चंदा के आसपास। मैंने कहा ये क्यों ख़राब किया नूर तूने, इतना अच्छा लग रहा था सिंपल ऐसे ही, तो कहने लगी नहीं बाजी थोड़ा सा और लगाना था
बस यहाँ पर हमने मेहंदी लगाई, और मतलब ये काफ़ी क्वांटिटी में है, जो ये डिपर बॉक्स मंगाया था मैंने, और कोन भी अभी रखा हुआ है मेरा, डिपर बॉक्स पूरा फुल है। दो तीन बार मैं लगा चुकी हूँ, दो बार अपने हाथ पे लगाया मैंने, एक बार नूर के लगाया है, और अभी भी फुल है वो, तो मतलब काफ़ी चलता है। और जी बस फिर मैं किचन में आई हूँ, और किचन में यहाँ ये करी पत्ता मंगाया था मैंने, बल्कि मैं खुद ही लेके आई थी, तो बस यहाँ मैं उसके पत्ते अलग निकाल के रख रही हूँ। तो जी यहाँ पर जो मेरे हब थे वो ये एक हुमस डिश करके है लेके आए थे, जो आप लोगों को मालूम ही होगी, काफ़ी अच्छी लगी, टेस्ट भी अच्छा था इसका, काफ़ी क्रीमी सा टेक्सचर था, और खाने में भी मतलब अच्छा लगा मुझे ये। जैसे कि वो चने की दाल को पीस के हम बनाते हैं ना, कुछ उस तरह का था, तो मज़ेदार था, अच्छा था। तो जी आज मेरी किचन में बन रही है कढ़ी, तो ये देखिए इसमें अभी उबाल आ रहा है, पक रही है, अभी सिर्फ पकेगी ये। और ये जो मैं बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ मट्ठे की कढ़ी, दही की नहीं बनाई मैंने, मट्ठे की बनाई है। और यहाँ पर ये पकौड़ी मैंने बना के रख ली है, और ये छौंक का सामान है, इससे मैं छौंक दूँगी, तो इसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी बाद में। राइस मैंने अभी इधर भिगो के रख दिए हैं, वो बनाऊँगी। और ये पीछे से जो आपको आवाज़ आ रही है, ये मशीन की आवाज़ आ रही है, मशीन ओवरलोड हो गई है शायद, एक साइड कपड़े हो गए हैं उसके, तो वो ठीक करके आती हूँ, तो मिलती हूँ फाइनल लुक में। ओके, अगर मैं ऐसे कपड़े डाल दूँ तो तो जी यहाँ पर मेरी कढ़ी तैयार हो गई है, और जी जब तक इसमें अच्छा से छौंका ना लगाओ कढ़ी कढ़ी नहीं लगती है। तो मैंने खूब अच्छा तड़का दिया है इसमें, और जी पकौड़ियाँ भी खूब सारी मैंने डाली है, हरा धनिया, हरी मिर्च, और बड़ी यम्मी सी कढ़ी बन गई है मेरी ये, और घर में मतलब काफ़ी पसंद करते हैं मेरे कढ़ी चावल। तो जी बस खाना मेरा तैयार हो गया था, इसी के साथ मैं व्लॉग भी ख़त्म करती हूँ, और जी बस चलती हूँ। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाना खाइए, और बस जी यही कहूँगी, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, और खुश रहें, और बस मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।